एक और पौधा गया अपनी जेब में। सरिता नर्सरी से भी हम लोगों ने टाप लिया है, जो पकड़ा है उसी में जरूरत रहती है। यहाँ से हम लोग अच्छे से टाप सकते हैं, वो देखो टापते हुए। गाइस स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। आज यार हम लोग आए हैं रानी नर्सरी। यहाँ पे धर्मेंद्र भाई को लेना है कुछ फूल उगाना है छत पे। पता नहीं किसके लिए उगाएंगे, लेकिन अब लेने तो आए हैं। अब कौन सा फूल है वो धर्मेंद्र भाई बताएंगे। धर्मेंद्र भाई थोड़ा इधर आ जाओ यार। नाम बताओ ब्रो, थोड़ा नाम वाम बता दो, कौन सा फूल खरीदने आए हो? हम लोग आए हैं पोटुलाका। पोटुलाका कोई सा फ्लावर का नाम है गाइस? प्लांट बोलते हैं, दस बजिया प्लांट। ओके, ढूंढते हैं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं, एक ऑनर से पूछते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फूल लगी हुई हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनके नाम वाम नहीं पता मेरे को कौन सा क्या क्या चीज़ है, बट बहुत खूबसूरत दिख रहा है। कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये देख सकते हो। ये वाली फूल तो और तगड़ी लग रही है। धर्मेंद्र लोगों को पोटुला का जो फ्लावर है वो मिल गया है। हम इधर पहले और क्या क्या चीजें वो देखते रहते हैं गाइस। तो जिस फूल की तलाश थी वो धर्मेंद्र भैया को मिल चुकी है। कौन सा वाला फ्लावर है ये? लेकिन खराब हो गया, इसको निकालो। ये है पोटुला का। हाइब्रिड का हाइब्रिड पोटुला का। यहाँ का पौधा जो है धर्मेंद्र भाई को पसंद नहीं आया। अब कहीं दूसरी जगह जाएंगे सोच रहे हैं, कहीं दूसरे आस पास में नर्सरी होगा तो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ फिर से ढूंढेंगे अगर मिल जाएगा तो। धर्मेंद्र भाई को एकदम जोश चढ़ गया कि वो पौधा लेना ही लेना है, उगाना ही है, उगा ही देंगे। तो चलते हैं, अब तैयार है अपना ड्राइवर। चलो दूसरी जगह चलते हैं ढूंढने के लिए नर्सरी। चलो गाइस, हम लोग एक और नर्सरी आ गए हैं जिसका नाम है माँ तारिणी नर्सरी। ये रायपुरा साइड में है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को जो चाहिए वो मिल पाता है कि नहीं। धर्मेंद्र भाई फिर से फोकस करेंगे फूलों पे। ये नर्सरी भी काफी बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा है, काफी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं यहाँ पे उनको फूल मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। इसको दे दे, इसको भाई किसको पोटुलाका बोल दो, ये वाला मिल पाएगा? नहीं है अभी। यहाँ का नंबर हम कलर का मिलेगा, वो हाइब्रिड है जैसे कि जो रहता है वो फिर से दूसरा उसका पेड़ बनेगा, इसलिए बनेगा। क्या इसमें देखो हाइब्रिड और इसमें फर्क इतना है कि छोटा छोटा पत्ता रहता है और फूल ज्यादा आता है। कुछ पौधे दिख गए हैं धर्मेंद्र भाई को। ये तो अपन के पास है, ये कौन सा है? ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर है अपन के पास, सब ऑरेंज है ये वाला सब। वो पीला कलर है तो कौन सा कलर लेना है ब्रो? नहीं तो दोनों कलर तो है अपन के पास, इससे एक्स्ट्रा चाहिए ना, दूसरा कलर भी रहता है। ये जो तीन कलर दिख रहा है ना, ये तीन कलर मेरे पास ऑलरेडी है। इसमें से कोई येलो वाला है क्या? इसमें गाइस हमने चुपके से जो है ये पौधा को टाप लिया है, इसको लेके जा रहे हैं। दो तीन टुकड़ा ऐसे लगाएंगे, देखते हैं ये होता है या नहीं। धर्मेंद्र भाई अभी भी टापते हुए। इस कैक्टस पौधे की सख्त ज़रूरत है हमारे रूम में। कई लोगों का जो है कुछ ज़्यादा फूलते रहता है, तो उसको थोड़ा उससे हवा निकालने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। जो पकड़ा है उसी को ज़रूरत रहता है। एक और जगह जो है हमें टापने का परमिशन मिल गया है। इस बार साला बोल के टाप रहे हैं। पूरा कर ले वो टाइट से, पानी दे के दिया दे, पकड़ ले पकड़ ले, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। गाइस हम लोग को टापते हुए देख के एक अंकल भी टापने के फिराक में आ गए हैं। ये देखो अंकल भी टापने लगे हैं थोड़ा। अंकल भी टापते हुए चोरी चोरी। तो गाइस यहाँ से हम लोग टाप चुके हैं जो टापना था। अब जो टापने का जगह है वो चेंज हो जाएगा, अब दूसरी जगह जाएंगे, जहाँ दिखेगा वहाँ से टाप लेंगे। तो चलो यार जहाँ दिखता है वहाँ पे मिलते हैं अब। भाई जैसे कि बताऊं कि हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही टाप रहे थे, तो ये है जो टापे थे, टाप लिया इतने सारा। हम लोग अब अगला नर्सरी आ चुके हैं, ये देखिए गीता नर्सरी। गीता नर्सरी पहुंच गए हैं, धर्मेंद्र भाई लोग आगे चले गए हैं, दिखाता हूं मैं आपको उन लोगों को। नर्सरी थोड़ा काफी बड़ा लग रहा है गाइस, यहां क्राउड भी ज्यादा।
क्राउड भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं। गीता सरिता, बगल में सरिता नर्सरी भी था लगता है, दोनों भाई बहन है, मैं भाई बहन बोलता हूँ, बहन बहन है। ओके ओके, यहाँ भी बहुत सारे फूलों का पौधा दिखने लग चुका है। वो देखिए पिकअप में कैसे उठा उठा के लेके जा रहे हैं पौधों को, तीन महीने जगा दिए हम लोगों को। मिल चुका है पोर्चुलुका, इसका एक्चुअल नाम है पोर्चुलुका, पर भैया हम लोग को बताए हैं पोर्चुलुका इसका सही नाम है। तो यहाँ पे अपने को तीन कलर मिल चुका है, येलो ऑरेंज और शायद रेड है। अपने को येलो चाहिए, अभी हम थोड़ा घूम लेते हैं नर्सरी में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो गाइस, हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे जो सरिता नर्सरी है वो गीता नर्सरी की बहन नहीं है, कोई अलग ही है। इन लोगों की हरमेन भाई जो चाहिए उनका वर्णन बताते हुए ये वाले भैया को, ये वाले भैया भी समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में चाहिए क्या इनको। अरे चाहिए बहुत कुछ, इसमें बहुत से कलर हैं। देसी नहीं चाहिए इनको, हाइब्रिड चाहिए, हाइब्रिड वहाँ देसी चाहिए बोल रहे थे। हमें कुछ अच्छी अच्छी फूले मिली है, ये देख सकते हैं भैया। इस फूल का नाम क्या है? एडिनियम। भैया के मुताबिक इस फूल का नाम है एडिनियम, एडिनियम। और उससे भी अच्छा दिख रहा है मेरे को ये प्लांट्स, वाह यार तगड़ा दिख रहा है। देखो ना कैसे कैसे यार, भिंडी का क्या क्या निकला है टाइप का, ये देखो कुछ भिंडी विंडी नहीं है, भिंडी नहीं है यार, ये तो वो है। मैं गीता नर्सरी में भी वो पौधा तो नहीं मिला, हाइब्रिड वाला ढूंढ रहा है धर्मेंद्र भाई, लेकिन जो देसी वाला था उसको टापने का बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जो एक यहाँ का लड़का था वो साला पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, हम लोग टाप ही नहीं पाए यार। तो गाइस, जिस सरिता नर्सरी की हम बात कर रहे थे वो जस्ट इसके बगल में है, ये देखिए गीता नर्सरी, और ये रहा सरिता नर्सरी। तो उसी के कॉम्पिटिशन में हम जा रहे हैं अंदर, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है भाई, ये तो उससे भी बड़ा है। ओहो बहुत बड़ा है, अरे बहुत बड़ा है। ये है गीता नर्सरी की कंपटीशन, सरिता नर्सरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फूल है, मैं एक बार रायगढ़ गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ तक किसी जगह में दिखा था, तो उसको मैंने टाप दिया था, इसको मैं घर में लगाया हूँ टाप थी। पहले से टपे टपाया फूल है वो, गेंदे गेंदे गेंदा का फूल। तो गाइस, जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, या तो फिर हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। जो चाहिए हमें सिर्फ यूट्यूब पे दिख रहा है, इधर बाहर निकल रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा है यार। पूरा गार्डन छान मार लिए ना, अभी तक जो हाइब्रिड वाला पौधा है वो अभी तक कहीं पर कुछ उसका अंश तक नहीं दिखा है हम लोगों को। इस सरिता नर्सरी से भी हम लोग अब निकल रहे हैं, अब जाएंगे यहाँ से कोई दूसरा नर्सरी, आरती नर्सरी करके कहीं पे है, तो वहाँ पे देखते हैं मिल जाएगा तो बोले हैं भैया, अब मिलता है या नहीं वहाँ जाके ही पता चलेगा यार। गाइस, सरिता नर्सरी से भी हम लोगों ने टाप लिया है, ये पूछने के बहाने हम लोग पूछते गए और टापते गए, आ गया सब मिल गया। गाइस, हम लोग अब आ चुके हैं लक्ष्मी नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चर फार्म, देखते हैं यहाँ पे मिल पाता है कि नहीं हमें, या फिर टाप पाते हैं कि नहीं। लक्ष्मी नर्सरी जो है गीता नर्सरी से तो छोटा है, लेकिन सरिता नर्सरी से थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। अब यहाँ पे मिल पाता है कि नहीं देख सकते हैं, कितनी सारी गुलाबें दिख रही हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप अलग अलग प्रकार की। देखो गाइस, यहाँ पे टापने का पूरा फुल अवसर यहाँ पे मिला हुआ है हम लोगों को, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं है भाई, यहाँ से हम लोग अच्छे से टाप सकते हैं। वो देखो टापते हुए टापते हुए टापते हुए टापते स्टोरी करो का माहौल। एक और पौधा गया अपनी जेब में। हमारा यहाँ का मिशन भी सक्सेसफुल रहा, भैया के सामने से हमने चार ये उठा के लिए हैं, और उनके पीछे से पीठ पीछे से पॉकेट में भरे हुए हैं और बहुत सारे पीस, तो हम लोग यहाँ से भी टाप लिए। तो गाइस, फाइनली हम रूम आ गए हैं, और जो चोरी का माल था उसको हमने उपयोग भी कर लिया है, देख सकते हम किस तरीके से इस चोरी का माल का इस्तेमाल किए हैं। ये सारा टैलेंट जो है धर्मेंद्र भाई का है, तो सारा श्रेय इसका धर्मेंद्र भाई को जाएगा। तो धर्मेंद्र भाई, जो हमने चोरी का माल टाप के लाया है, आपने इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें,
चोरी का जो माल होता है ना अच्छा लगता है, इसीलिए सभी चोरी का साला मिट्टी भी चुरा के लाए एक जगह से, किसी के खेत से लगाया हुआ था गमला के लिए। ठीक है, अच्छा बना है, फिर अपडेट देंगे 15 दिन बाद। तो गाइस यार, पौधों को हमने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है और हम उसमें रोज पानी देंगे और उसमें फूल उगा के ही रहेंगे। और आज के लिए इतना ही यार, मज़ा आया आज कुछ थोड़ा अलग कुछ किए। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में, ज़रूर जल्दी मिलेंगे फिर से। तब तक बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब मार दो, पूरा फैला दो। और टेक केयर, सी यू, बाय बाय।